नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सेठ आपका मैं मलबॉम से फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नर्सरी में विजिट करेंगे जो कि मैं लास्ट टाइम भी यहां पे आया था और पहले भी मैं जब भी बठिंडा आता हूं तो इस नर्सरी में विजिट करता हूं। ये जो नहर का जो रास्ता है रेलवे रोड, उस रोड ये वो रोड है और इस रोड के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे नर्सरी है। तो चलिए यहाँ पे जो प्लांट्स है वो हम देखते हैं कौन कौन से है। दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। दोस्तों यहाँ एंट्री करते जो ये आपको जूनी पर दिख रहे हैं, ये जो मैं स्टार्टिंग में आया था तब से यहाँ पे है और ये काफी फैल गए यहाँ पे, लेकिन इसकी जो शेप है वो बोनसाई जैसी बिल्कुल नहीं है। इसको शेप देने वाली है उस साइड कुछ प्लांट, इन्होंने जो शायद कटिंग वगैरह लगाई थी वो जल गए हैं। यहाँ पे कुछ पाम ट्री है, जूनिपर के हैं, बोनसाई से रिलेटेड प्लांट है ये सारे। इस साइड भी काफी जूनिपर के प्लांट रखे हैं, कुछ पाइन के हैं। ये क्रेसुला की नई वैरायटी है यहाँ पे जिसमें एरियल रूट आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए एरियल रूट है और ये प्लांट 200 रुपए का बता रहे हैं। कुछ लक्की बैम्बू यहाँ पे रखे हैं, कुछ बड़े वाले बैम्बू भी हैं, पोर्ट्स भी मिल जाएंगे इनके पास। और यहाँ पे देखें तो ओरमेंटल जो चिल्ली है उसके प्लांट है, विनिका के हैं, जो हमारी देसी चिल्ली है वो भी है। ये देखिए छोटे से पोर्ट के अंदर ही चिल्ली देखिए कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो ये सीड्स की वैरायटी है उसका भी फर्क होता है, यानी कि अगर हम देसी सीड्स लगा देते हैं घर में तैयार किए हुए तो उन पर इतने अच्छे सीड्स आते हैं। एक जूनिपर यहाँ पे है, कुछ पोनीटेल की प्लांट रखे हैं, यहाँ पे कुछ ड्रेसिना के प्लांट हैं, ये क्रोटन के प्लांट रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्लांट जो है लैला मजनू गए, जहाँ ऊपर के पत्ते जो ग्रीन और थोड़े व्हाइट है, नीचे के थोड़े से रेड है। सामने आपको दिख रही है एप्पल ट्री है, इस पे सेव वो लगते हैं लेकिन थोड़ी दूसरी वैरायटी है, बड़े नहीं है, छोटे साइज के एप्पल आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मनी प्लांट की वैरायटी है जो काफी बड़ी बड़ी है, पत्ते देखेंगे कितने बड़े हैं। और इस ट्री पे अगर आप देखेंगे तो जो ये आपको दिख रहे हैं ये माल्टा है, ये देखिए काफी फ्रूट लगे हुए हैं, मोटे मोटे हैं इस पे। यहाँ पे देखिए पपीता की सीडलिंग की हुई है इन्होंने, यहाँ पे देखिए ऐसे पोर्ट में लगा रखे और इसको ये बोनसाई बता के काफी हाई रेट ले लेते हैं, हजार हजार रुपए लेते हैं। यहाँ पे जो टस्मी नोट का प्लांट है शायद ये देखिए इसको ऐसे छूते ही इस तरह से जाएगा। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे कुछ कैक्टस है इसके अंदर, ये अडेनियम है, ये देखिए यहाँ पे कुछ सकुलेंट प्लांट है। तो ये देखिए बड़ा ट्री एक चीकू का है, इससे भी काफी चीकू लगते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इस साइड हम लाइव गए थे, पीछे की साइड जो है वो सिर्फ ऐसे इन्होंने कटिंग कुटिंग लगाने का जो एरिया वो बना रखा है। बड़ा ट्री है वो मैंगो का है, वहां पे एक छोटा आंवला है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। एक मैंगो ट्री जो वहां पे उस पे मैंगो लगे हुए हैं और एक जो ये है इस पे भी काफी मैंगो लगे हुए हैं। ये देखिए आप देखिए लास्ट टाइम जब आए थे तो यहाँ पे काफी प्लांट्स इन्होंने लगा रखे थे और अब फिलहाल कोई भी प्लांट्स यहाँ पे नहीं है। कुछ सकुलेंट प्लांट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ क्रेसुल है और जो ये बड़े गमले हैं इनके अंदर इन्होंने जो सीडलिंग है वो लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों इस एरिया में कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स हैं लेकिन अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा है सभी प्लांटों को, ऐसे रखे हुए हैं तो पता नहीं चला कौन सा फ्रूट का प्लांट कहाँ पे है। मैं यहाँ से कुछ प्लांट्स बाय करूँगा अगर मुझे ठीक लगा तो, क्योंकि यहाँ से प्लांट्स को ले जाना महेंद्रगढ़ तक काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो गर्मी का टाइम है और का सफ़र जो है काफ़ी दूर है, 350 किलोमीटर ट्रेन में ले जाना मुश्किल होगा।
दोस्तों ये देखिए कड़ी पत्ता है और छोटे से प्लांट पे आपको फ्रूटिंग जो है वो दिख रही होगी। ये देखिए इस नर्सरी में जो प्लांट्स है उनकी जो अच्छे से ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े ट्री है तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं आ पाती और जो नीचे का जो तापमान है वो ऑटोमेटिक इतना ठंडा रहता है। यहाँ पे अगर आप देखें आगे तो यहाँ का जो वातावरण है काफी ठंडा है और जो वाटरिंग है वो अच्छे से करते हैं। दूसरा ऊपर काफी ट्री है तो उनकी वजह से जो डायरेक्ट हीट है धूप की वो यहाँ पे नहीं आती। ये साधुआ ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।